नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक, लेकिन ये हम बनाने वाले हैं पार्ले जी बिस्किट से। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक केक की रेसिपी दिखाई थी, बिस्किट केक की, जो हमने बोरबॉन से बनाया था, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के, 2 टेबल स्पून पाउडर चीनी। यहाँ हमने कोको पाउडर लेना है। अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ हम लेंगे 2 टीस्पून कोको पाउडर। इसके बाद हमें चाहिए टूटी फूटी, और यहाँ हमने काजू लिए है। आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो। 1 कप हमने यहाँ दूध लिया है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी देख के दूध कम या ज़्यादा करेंगे। और 1 सैशे हमें चाहिए इनो का। सबसे पहले हमें एक मिक्सर का जार लेना है। हम जो बिस्किट है उसे टुकड़े करके इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब जो पाउडर है हम इसे एक बार छान लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। इस तरह हमने इसे छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून कोको पाउडर। आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप भी यूज़ कर सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद 2 टेबलस्पून चीनी, आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हो, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह हमारा केक का बैटर बनके रेडी हो चुका है। इसके लिए हमें 1 कप और ऊपर 2 टेबलस्पून दूध लगा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून की करीब ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, वैसे भी किया तो भी चलेगा, या थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे तो और ज़्यादा केक अच्छा बनेगा। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे और केक टिन लेंगे। यहाँ मैंने बटर पेपर लगा दिया है, तो उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसे अच्छे से ग्रीस करना है। आपके पास बटर पेपर ना हो तो सिल्वर फॉइल लगाया तो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्टली नीचे ऑयल लगा के थोड़ा मैदे से उसे ग्रीस करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने इसे ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। अब हमें इनो लेना है, और वो इनो पूरा इस बैटर में हम डालेंगे। उसके ऊपर से हमें बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालना है, ताकि इनो हमारा अच्छे से फूल जाए, और इसे हल्के हाथ से हम मिलाएंगे इस तरह। अगर आप इनो नहीं यूज़ करना चाहते हो तो 1/2 टीस्पून आपको इसमें बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून इसमें आपको बेकिंग पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। अब इस टिन में हम ये बैटर डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे इस तरह। अब हम इसमें जो टूटी फूटी थी वो हम इसमें डालेंगे। ये टूटी फूटी भी होममेड है। इससे पहले के वीडियो में मैंने इसका आपको कैसे बनाना है उसका तरीका दिखाया था। उसके बाद हम डालेंगे काजू। अब इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं। यहाँ हमने बेक करने के लिए एक बर्तन रखा है। बर्तन हमने 10 मिनट पहले गैस पे रख दिया था, मीडियम फ्लेम पे, तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये, उसके नीचे हमने एक स्टैंड रखा है, और उस पर अभी हम ये केक का टिन रखेंगे। अगर आपको इसमें माइक्रोवेव में करना हो या ओटीजे में करना हो, तो आप 180 डिग्री पे 10 मिनट प्री हीट करके उसे ओटीजे में रख सकते हो। तो ओटीजे में रखते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको 10-15 मिनट होने के बाद एक बार आप इसे चेक करना कि हुआ या नहीं। वैसे भी इसमें भी हम 15 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे कि हमारा केक बेक हुआ या नहीं। इसे रखे हमें 35 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करेंगे, तो टूथपिक हम बीच में डाल के एक बार चेक करेंगे।
तो इस तरह हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो केक कितना स्पंजी बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। धन्यवाद।